हैसियत का कभी भी अभिमान मत करना दोस्तों, क्योंकि उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म होती है। आपका अहंकार आपको सर्वनाश की तरफ लेकर चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत खास है, बहुत विशेष है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जून 2022 से लेकर पूरे साल, जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक कौन सी राशियों के संतान के योग बनने जा रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि जून से लेकर दिसंबर तक कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए गर्भधारण के योग बहुत अच्छे हैं, फैमिली जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और मैं उन राशियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन ऐसे योग दिखा रहा है कि आपके संतान प्राप्ति हो सकती है या फिर कंसीव हो सकता है। तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से योग बनने जा रहे हैं और कौन सी हैं वो आठ राशियां, 12 राशि में से 8 ऐसी राशि है जिनके लिए गर्भधारण के योग अब बनते हुए नजर आएंगे। बारीकी से चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर सकते हैं। दोस्तों, विवाह होने के पश्चात हर किसी को दिल से यह इच्छा जरूर होती है कि संतान कब होगी, गर्भधारण कब होगा, कब एक स्त्री मां बनेगी। ये खुशी एक बहुत बड़ी खुशी होती है और हर किसी को जानने की बहुत इच्छा होती है। हर कोई अपनी कुंडली दिखाते हैं कि क्या ऐसे कोई दोष तो नहीं है, संतान में देरी तो उत्पन्न नहीं हो रही। हमारी कुंडली में बहुत कुछ दिख जाता है, 99% कि संतान के क्या योग है, क्या नहीं है, देरी से तो नहीं हो रही है, क्या कोई कमी तो नहीं है। लेकिन आज हम आपकी राशि के अनुसार जानेंगे कि कौन से ऐसे योग आखिर बनने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, संतान के कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु की पोजिशन स्थिति अच्छी नहीं है, या पंचम भाव, जन्म कुंडली का पंचम भाव फिफ्थ हाउस होता है संतान का, अगर आपका पंचम भाव और देवगुरु बृहस्पति और पंचम के मालिक अच्छे नहीं हैं, तो संतान में देरी जरूर होती है या परेशानी आती है या फिर कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, तो वो उसी वजह से होता है। और दोस्तों, इसके साथ में जो व्यक्ति संतान की प्लानिंग काफी समय से कर रहे हैं, 4 साल से 5 साल से, और जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है संतान होने में, और जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी संतान प्राप्ति हो जाए, कंसीव हो जाए, तो लास्ट में मैं आपको एक अचूक उपाय, एक चमत्कारी उपाय बताऊंगा कि क्या उपाय करने चाहिए आपको गर्भ धारण करने के लिए, और अगर वो आप कंटिन्यू करेंगे तो जरूर आपको गर्भ धारण होगा। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। कौन सी हैं वो 8 राशियां जिनके घर परिवार में नवजात शिशु का आगमन होगा। सबसे प्रथम राशि है मेष राशि। ये किस वजह से हो रहा है और कब होगा यह भी मैं आपको बता देता हूं। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ शनिदेव आपके 11वें घर में रहेंगे। दोस्तों, ज्यादा करके जो योग बन रहा है, ज्यादा जो योग बनेंगे वो बनेंगे सितंबर से पहले पहले। सितंबर से पहले पहले कंसीव होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, आपको प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव आपके पंचम भाव में रहेंगे 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। ध्यान से सुनिएगा, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक योग बहुत अच्छे हैं कंसीव हो जाने के। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में है। जून से लगाकर पूरे साल का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब भी पंचम भाव में पड़ती है ना दोस्तों, तो शुभ प्रभाव देती है। पंचम भाव संतान का, तो संतान की प्लानिंग आपके लिए शुभ रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, और संतान होने की संभावनाएं भी है, कंसीव होने की संभावनाएं जरूर है, कमेंट आपको करना होगा। तीसरी राशि है दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए सबसे ज्यादा योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि और गुरु की दृष्टि पंचम भाव में है। गुरुदेव आपके भाग्य में है, शनि आपके अष्टम में है, और दोनों की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शनि और गुरु की दृष्टि पंचम पे पड़ती है तो संतान का योग बहुत अच्छा बन जाता है। ये मेरा आपसे सजेशन, एडवाइस है कि आपको संतान की प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। आपके लिए ये योग, ये समय पूरा साल जून से लगाकर बहुत ज्यादा अच्छा है।
चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में देव गुरु की दृष्टि आपके सेकंड हाउस में है और आपके फोर्थ हाउस में है, और शनि देव की दृष्टि भी आपके फोर्थ हाउस में पड़ रही है। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है जून के बाद संतान का योग, क्योंकि गुरु जब भी दूसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो कुटुंब और परिवार को लेकर जो चिंता होती है, जो चिंता होती है कि संतान कब होगी, कब होगी, कब गर्भधारण होगा, कब फैमिली में खुशहाली आएगी, तो जब भी गुरु सेकंड हाउस में देखते हैं तो परिवार में खुशहाली जरूर आती है। और अगर आप यही सोच रहे हैं कि कब खुशहाली आएगी तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। पांचवी राशि है दोस्तों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में स्वयं गुरुदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 13 अप्रैल से, तो 13 अप्रैल के बाद से पूरे साल देव गुरु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा योग है संतान का। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति संतान के योग 100% बना देते हैं। प्लानिंग आपको करनी चाहिए, कंसीव आपका जरूर होगा, कमेंट आपको करना है। छठी राशि है दोस्तों धनु राशि। धनु राशि में संतान के योग अब अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस में देव गुरु आपका राजयोग बना रहे हैं, हंस नामक राजयोग, और पंचम भाव में मंगल रहेंगे आपके अपने घर में। लेकिन योग सिर्फ सितंबर तक है, सितंबर तक कंसीव होने की संभावनाएं अच्छी हैं। तो जिनका यह प्रश्न है कि उनको कंसीव कब होगा, कब ऐसे योग बन रहे हैं राशि के अनुसार, तो सितंबर तक योग बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यह तो हुआ राशि के अनुसार, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में अगर फिक्स है, प्रॉमिस है कि इतने साल के बाद आपकी संतान होगी शादी के बाद, तो फिर वो फिक्स है। अगर आपकी कुंडली दिखा रही है कि आपकी कुंडली कमजोर है संतान को लेकर, तो फिर ये ग्रह आपको सक्षम नहीं होंगे फल देने में। सातवीं राशि है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में है और देव गुरु आपके सेकंड हाउस में है। देव गुरु पूरे साल आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। कुंभ राशि के लिए संतान के योग बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड हाउस में बृहस्पति कुटुंब और परिवार में खुशहाली देते हैं और अपने डिजायर्स, अपने जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छा पूर्ति करते हैं। बहुत अच्छा है गुरु का सेकंड हाउस और शनि का फर्स्ट हाउस में बैठना। लास्ट और आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि में देव गुरु प्रथम भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मीन राशि के लिए संतान के योग बेहद खास है, बहुत अच्छे हैं। पूरे साल जून से लगाकर पूरे साल बहुत बहुत अच्छे हैं। प्लानिंग आपको करनी चाहिए, कंसीव जरूर होगा, कमेंट आपको करना है। और गुरु आपके फर्स्ट हाउस में विवाह के योग भी अच्छे बना देते हैं, और संतान को लेकर चिंता तो होती है लेकिन वो पूरी भी जरूर होती है। ये बताया दोस्तों मैंने 8 राशियों के लिए जिनके संतान के योग बहुत खास है। जिनको संतान में देरी हो रही है, परेशानी हो रही है, उनको क्या उपाय करने चाहिए, अचूक व चमत्कारी उपाय। रोजाना सुबह सुबह आपको संतान गोपाल का पाठ करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र क्या है? ओम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, संतान गोपाल मंत्र। और इसके साथ देव गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए और गुरुवार थर्सडे का व्रत रखना चाहिए। गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।